मित्रों, इस जगह पर स्थित है रावण के पेशाब से बना तालाब, जिसको छूने मात्र से ही लग जाते हैं कई जन्मों के पाप। मित्रों, झारखंड के देवघर में एक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है, जिसे बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये 9वां ज्योतिर्लिंग है और इसकी स्थापना भगवान विष्णु ने स्वयं की थी। मित्रों, मंदिर के पास एक तालाब है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करने के बाद बाबा भोलेनाथ को जल भी चढ़ाते हैं, और वहीं पर एक पास में एक और तालाब है। मित्रों, जो लंकापति रावण के मूत्र से बना है, इसलिए नहाते समय इसे कभी छुआ नहीं जाता है। अफवाहों के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो कोई भी तालाब में पानी को छूता है, उसे कई जन्मों के पाप लग जाते हैं और फिर वह उन पापों से जल्दी छुटकारा नहीं पा सकता है। क्या रावण ने इतना पेशाब किया था कि तालाब बन गया? इसका जवाब पाने के लिए आपको एक पौराणिक कथा सुननी होगी। दोस्तों, रावण ने महादेव को अपने साथ लंका ले जाने के लिए कई तरह की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने अपना सिर काट कर अर्पित कर दिया। तब भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। मित्रों, हालांकि महादेव ने रावण पर एक शर्त रखी कि जब आप शिवलिंग नीचे रखेंगे तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ शिवलिंग के रूप में चलूंगा। ये रावण का बलवान होने का अहंकार ही था, उसने उसे शिव जी की शर्तों को मानने के लिए प्रेरित किया। मित्रों, शिवलिंग भारी होने की वजह से उसने सोचा कि एक बार इसे मैं उठा लूं, फिर सीधे लंका जाकर ही इसे स्थापित करूंगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने शिवलिंग को उठा लिया और लंका की ओर चल पड़े। ये देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि रावण को रोकने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं तो रावण पूरे विश्व में तबाही मचा देगा। मित्रों, दूसरी ओर रावण बिना रुके लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे लघु शंका लगी। अब बात यह है कि वो शिवलिंग को नीचे रख नहीं सकता था। हालात को देखते हुए वो शिवलिंग को अपने पास ही रखा और चलते जा रहा था। मित्रों, तभी दशानंद ने देखा कि पास में एक बालक खेल रहा है। उसने विनती करी कि बालक थोड़ी देर के लिए इस शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़ लो। उस बालक ने रावण की बात मान ली और शिवलिंग को अपने हाथ में ले लिया। मित्रों, रावण को कुछ पल के लिए संदेह हुआ। भगवान ने जो माया रची थी, उसे समझने में रावण को इतनी देर लग गई। वास्तव में उसके पेट में इतना पानी था कि पेशाब खत्म होने का नाम नहीं लिया था। हालांकि वह बच्चा कब तक शिवलिंग को संभालता था, खाकर उसने शिवलिंग को जमीन में रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। मित्रों, वैसे आपको हम बता दें कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु थे और ये सारी लीला उन्होंने ही रची थी। रावण के पेशाब करने के बाद उसे पता चला कि शिवलिंग तो जमीन में पड़ा है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने उस लड़के को बहुत जोर से चलाया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। दशानंद ने बहुत कोशिश की शिवलिंग को हिलाने की, लेकिन वो हिला नहीं। मित्रों, इस मंदिर में शिव के पास अन्य शिव मंदिर की तरह त्रिशूल नहीं है, इसकी बजाय उनके पास एक पंचशूल है, जिसे महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतार दिया जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती है और 1 दिन पहले पूरे विधि विधान के साथ वापस स्थापित किया जाता है।